निगम चुनाव की सुखबुकाहट होते ही कई पार्षद प्रत्याशी आने लगे हैं सामने। धनबाद के चर्चित क्षेत्र कहे जाने वाले वासेपुर में भी इन दिनों कई महिलाएं चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। अगर बात करें वार्ड नंबर 14 की तो यहां भी कई महिलाएं चुनाव लड़ने की बात कह रही है। देखिए, पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि हमारे 14 नंबर वार्ड में कुछ काम नहीं हो रहा, जैसे कि गली हो गया, नाली हो गया, रोड हो गया, तो ये सब हमारे पार्षद ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये सब ज़रूरी है कि ये सब चीज़ में ध्यान दें, क्योंकि बहुत ऐसे जगह रोड है कि धंसा हुआ है, फोर व्हीलर गाड़ी चलती है तो लगता है बिल्कुल ले दे करके वो बैठ जाएंगे। वहीं आज वार्ड नंबर 14 की समाज सेवी इशरत प्रवीण से बात किया गया तो उसने साफ लफ्जों में कहा कि वार्ड नंबर 14 में पूर्व पार्षद के द्वारा सही से काम नहीं किया गया है। आज भी लोग काफी दूर से पानी लाते हैं, आज भी सड़कें जर्जर स्थिति में है, विभा भवन की काफी जरूरत है। अगर इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए तो मुझे चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अब देखना यह होगा कि वार्ड नंबर 14 में तो कई पार्षद प्रत्याशी मैदान में उतरने की सोच रखे हैं, पर वासेपुर वार्ड नंबर 14 की जनता का फैसला क्या होगा ये चुनाव के बाद ही देखा जाएगा। बाइक से अगर अपने परिवार को, फैमिली को लेकर के चलते हैं तो वो गिर जाते हैं, तो ये पार्षद के पीछे ही का ये नवी नगर देख लीजिए, वहाँ का आप लोग तो देखेंगे किस तरह से रोड टूटा हुआ है वहाँ का। मतलब हमेशा इसी तरह, हम पिछले 10 साल से इसी तरह देख रहे हैं, नाली भी इसी तरह भरा हुआ होता है, रोड भी टूटा हुआ, कोई सुधार नहीं है। मदीना नगर में है आपको, वो क्या बोलते हैं, नबी नगर से और आगे भी है, उधर भी समझिए कि अच्छा मतलब पैर तक पानी नाला भरा हुआ है, वो भी साफ़ नहीं होता, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ये नाली, ये रोड, लाइट, पानी, तो ये सब हमारे पार्षद को ध्यान देना चाहिए। तो हम कंटिन्यू 10 साल से देख रहे हैं कि ये यहाँ के पार्षद कुछ ध्यान नहीं दे रहे, तो इसी सोच करके हम आगे बढ़े। हम लोगों का तो कंटिन्यू काम चल रहा है, जैसे कि नाली के लिए, रोड के लिए, लाइट के लिए, पानी के लिए, और बहुत ऐसे आधार कार्ड हैं, वोटर आईडी, हेल्थ कार्ड है, आँख वगैरह का कैंप भी हम लोग लगा रहे हैं, ये सब आप लोग देख रहे होंगे, कंटिन्यू हम लोग का काम चल रहा है। तो इस तरह से हमारे पार्षद को काम करना चाहिए, तो ये समय उनका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो इसी सोच कर हम इसमें आगे बढ़े हैं। जी 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 देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि हम अच्छा से अच्छा काम करें, ठीक है। जैसे कि बच्चों लोग की पढ़ाई लिखाई है, बहुत ऐसे जो गरीब लोग हैं जो मतलब मैरिज हॉल नहीं कर पाते हैं, शादी ब्याह के लिए बहुत दिक्कत तकलीफ उठाते हैं, उस पर भी मेरा ध्यान है कि उन लोगों के लिए एक विवाह भवन होना चाहिए, बच्चों लोगों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होना चाहिए। तो शिक्षा भी ज़रूरी है, सिर्फ ना, सही बात है, नाली और रोड मायने नहीं रखता है, इसके अलावा बहुत कुछ है, बहुत जगह गरीबी है, उस पर भी पार्षद लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि उनके पास काम नहीं है, वो लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, जाते भी हैं तो लोग मदद भी नहीं करते, तो ये सब पार्षद को अपने ध्यान देना चाहिए। अगर आप जीत आती हैं तो पहला जी क्या होगी? इंशाअल्लाह ताला जीतते हैं अगर तो सबसे पहले तो हम बच्चों लोग की शिक्षा के लिए करेंगे और विवाह भवन भी बनाएंगे, नाली, रोड, पानी, पानी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी के लिए हम देखें जैसे कुसुंडा आप चले जाइए, खास बस्ती, वहाँ लोग, वहाँ नदी है तो वो गंदा पानी वो लोग खुद हम देखें कि छान के वो लोग पीते हैं, ठीक है ना। और घर में बहुत सारे बेटी बहू है तो वो लोग का प्रॉब्लम है कि सरकार कुछ नल वगैरह लगा देते तो बेटी बहू घर में नहाते, पर उन लोगों को 1-1.5 किलोमीटर जाकर पानी लाना पड़ता है, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। तो इसमें हम पूरी कोशिश लगाए हुए हैं, कर रहे हैं कि उन लोगों को कम से कम नहीं तो 1-2 नल भी वहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घर में है वहाँ पानी, तो लोग होते हैं बहुत सारे का सोच होता है वो बड़ा है, छोटा है, जाति, तो वो लोग छोटे जाति तो उन लोगों को पानी लोग नहीं देते, तो ये हम वहाँ देखे तो मुझे बहुत बुरा लगा। और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि वहाँ पानी, ये चुनाव आने से पहले भी पानी वहाँ लग जाता तो ज़्यादा अच्छा था। चुनाव को लेकर वासेपुर के लोगों से क्या उम्मीदें हैं आपकी? जी, उम्मीद तो यही है कि उम्मीद है कि देखिए अब उन लोग क्या मेरे बारे में सोचते हैं, हमें अच्छा काम करना है, बाकी किस्मत पे है, और इंशाअल्लाह ताला अगर हम अच्छा काम करेंगे तो पब्लिक को भी दिखेंगे। आपने जैसा कहा लगातार वासेपुर के लोगों को समस्याओं से निदान कर रहे हैं, जी, ऐसे में क्या रिस्पॉन्स मिला लोगों के बीच? अभी तो देखिए रिस्पॉन्स बहुत लोग का अच्छा ही दिख रहा है, बहुत लोग का अच्छा दिख रहा है, बाकी का बाद अल्लाह पे है, छोड़ दिए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे वासेपुर के लोगों? वासेपुर के लोग, देखिए वासेपुर के क्या कहें, बस हम अच्छा काम कर रहे हैं, अब ये उन लोग पे डिपेंड करता है क्या अच्छा सोचना है क्या बुरा करना है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने काम पे ध्यान देना है बस, जी जान लगा के हम काम पे अपना ध्यान देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की शिकायत का मौका नहीं मिले। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े रहेंगे और कल भी खड़े रहेंगे। जी, मेरा नाम इशरत परवीन।